Welcome to राखी महोत्सव by SD Academia. This is Priya Gera, your instructor. आज हम सीखेंगे फ्रेश फ्लावर राखी सेट, जिसमें होगी एक ब्यूटीफुल सी पूजा थाली, भैया राखी एंड भाभी राखी. ये मिक्सचर है फ्रेश फ्लावर्स प्रेसर्वेशन विद इपोक्सी रेज़िन. कैसे हम फूलों को ध्यान से चॉप कर कर उन्हें बुक प्रेस करेंगे और कैसे हम उन्हें भाभी राखी ब्रेसलेट में और ट्रेंडी भैया राखी ब्रेसलेट में डालकर कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे ये सब कुछ सीखना सच में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करेंगे फ्लावर प्रेजर्वेशन के साथ तो यहाँ पर मैंने टिश्यू फ्लास्क का इस्तेमाल किया है आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्लास्क मेक श्योर छोटे फ्लास्क रख सकते हैं उनको चॉप करेंगे और लीव्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जिनसे फ्लावर को मॉइस्चर मिले चॉप करने के बाद किसी भी मोटी सी बुक के अंदर हम इसे रखेंगे और हफ्ते भर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्रेस हो जाए अब मान लीजिए कि हफ्ता हो चुका है फ्लावर आपके रेडी हैं, प्रेस्ड हैं। इसके बाद आपने क्या किया फ्लावर्स को बुक में से रिलीज करा और इस तरीके से एक सिलिकॉन मोल्ड के अंदर हमने उसे कंपोज कर दिया कॉम्पोजिशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और या आप ये भी कर सकते हैं कि आप सारे के सारे फ्लावर्स को पहले रेजिन में डालें और एक थिन कोट उसके ऊपर अप्लाई कर दें इस चीज़ के लिए आपको तकरीबन थर्टी ग्राम्स रेजिन रिक्वायर्ड होगा तो इसे हम फटाफट से मिक्स कर देते हैं सारे के सारे टिश्यू फ्लावर्स हैं और अच्छे से वेल well प्रेस्ड हैं अगर आप चाहें तो रेडीमेड प्रेस्ड फ्लास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैं प्रेफ़र करती हूँ जैसी चॉइस है वैसे ही फूलों का इस्तेमाल किया जाए तो देखिए रेजिन से बिल्कुल अच्छे से भीगे हुए फ्लास मैं कोस्टर के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर रही हूँ साथ ही ये जो मोल्ड है ये फाइव इंचज़ मोल्ड है और वेवी है साइड से ताकि जो कट है वो थोड़े से शार्प ना होने के साथ साथ बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ग्रेसफुल लगे तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है जो मोल्ड की हाइट है वो है तकरीबन फोर एम mm एम की जिनसे अच्छे से फ्लावर्स को बैठने की जगह मिलेगी अब इसके बाद ऊपर से मैंने पंद्रह ग्राम जो रेजन है वो और डाल दिया है तो कंप्लीट आपका फोर्टी फाइव ग्राम्स में ये पूरा का पूरा जो आ, मोल्ड है उसके अंदर जो आपकी थाली है फ्रेश फ्लावर थाली वो कंप्लीट हो जाएगी तो अब 24 घंटे का समय कंप्लीट हो गया है सबसे पहले हम रिलीज करेंगे थाली को मोल्ड से तो इसके लिए क्या करना होगा साइड से अच्छे अच्छे से उसको ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो थाली है वो रेडी हो जाए इसी के साथ जो बैक साइड है जहाँ पर आपको प्रोमिनेंट फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं उनके लिए आप सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आप सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड वन ट्वेंटी जो भी आपको इनमें से ग्रिड मिलता है उसके साथ आपकी सेंडिंग पॉसिबल हो सकती है मैं वन ट्वेंटी के साथ सैंड कर रही हूँ इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके फ्लार कितने मोटे थे कितने थिक है और टेक्सचर कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो टेक्सचर ज्यादा नहीं है इसलिए मेरे को 120 ट्वेंटी नंबर का सैन पेपर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इसी के साथ आप बैक साइड पर बहुत ही पतला सा थिन कोड रेजिन का अप्लाई कर सकते हैं जिससे स्क्रैच निकल जाए और आपकी जो थाली है वो प्रेजेंटेबल लगे सो so, यहाँ पर थाली रेडी हो गई है इवन आप अपने क्लाइंट को भी कह सकते हैं कि वो आपको इसी तरीके से फ्लास दें और आप उनके चॉइस के फ्लास की थाली उनके लिए बना सके अब इसके बाद जो हमारी थाली का कॉर्नर है ना उसे भी मुझे सजाना बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैं अधहेसिव ले रही हूँ वाइट ग्लू और उसको लगाने के बाद मैं इसके ऊपर बहुत ही छोटे साइज के लेट से टू एम के शाइनी गोल्डन पर्ल लूँगी जिनके साथ इस थाली को कंप्लीट करूँगी इससे क्या होगा एज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ से लीकेज नहीं होगी इसके बाद टॉप कोट करेंगे टॉप कोट के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं तकरीबन 15 ग्राम्स ऑफ रेजिन और उसके साथ आप टॉप कोट करेंगे ताकि आपके जितने भी फ्लावर्स हैं उनको शाइन मिले और वो बहुत ज़्यादा होलोग्राफिक वे में थ्री प्रोवाइड करे मेक श्योर टू यूज ब्लो टॉर्च सो दिन के बबल न आए सो माइल फॉर बेजल्स है सबसे पहले हम ब्लू टेप को यहाँ स्ट्रेच करेंगे जो ब्लू टेप का स्टिकी पार्ट है ना उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि बेजल्स को चिपकाने में आसानी हो दोनों साइड को मास्किंग से अच्छे से कवर कर दिया अब एक एक कर जिस सेगमेंट में आपको ब्रेसलेट चाहिए वो लगा लो तो मैंने यहाँ पर भी फ्री सेगमेंट पे ब्रेसलेट लगाए बाद में ये, ये तो तो प्रेस्ड फ्लावर लगा लिया है और साथ ही इसमें थोड़ा सा कॉम्पोजिशन को और ब्राइटन अप करने के लिए मैंने पर्पल कलर का भी यहाँ पे छोटा सा बड जो है वो लिया है ट्विजर के साथ काम कर रही हूँ क्योंकि इंसर्ट करते हुए ना छोटी चीजों में थोड़ा सा ना टाइम लगता लगता है, समय लगता है। समय तो अलग-अलग तो आप मैं आपको वही राखी बनाना सिखा रही हूँ जिसको आप लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वॉंटिटी में प्रोड्यूस कर सके ठीक है तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 24 फोर आवर्स के बाद हम इसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे अब बैक साइड देखिए टेप के कारण ना बैक साइड बिल्कुल प्लेन और बहुत ही अच्छे से निकल कर आई है बट थोड़ा थोड़ा ना जो आपका टेप होता है उसका स्टेन रह जाता है कॉर्नर पर तो उसको रिमूव करने के लिए आप जो नेल रिमूवर वाइप्स होती है ना उनका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वेट नैपकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो सो माय बेजल्स आर रेडी अब बहुत ही आसान इसका तरीका रहता है जो लास्ट में इनको कम्पलीट करने का बहुत ही क्लासिक यहाँ पर आप ब्रेसलेट जो है वो प्रिपेयर करेंगे हल्का हल्का सैंडिंग करने की आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट लगे फ्लार अगर ऊपर की तरफ उभरे हुए हो तो बहुत जेंटली आप उनको सैंड कर सकते हो एंड अगेन सैंडिंग के लिए फ्लावर के अकॉर्डिंग आप अपना सैंड पेपर सेलेक्ट कर सकते हो नंबर आपको ऑलरेडी मैंने मैंशन कर दिए हैं वेट वाइप से सारा डस्ट साफ कर लूंगी और बाद में पीछे की तरफ ही आप हल्का सा ब्रश के साथ ही रेज़िन का पतला सा स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो अब मुझे टॉप कोट करना बहुत ज्यादा पसंद है तो जितने भी मेरी राखीज हैं जो बेजल्स आप नजर आ रहे हैं आपको इन सब के ऊपर टॉप कोट करूंगी टॉप कोट से क्या होता है एक राउंडिटी आती है राउंडिटी से आपकी राखी और ज्यादा प्रोमिनेंट लगेगी और प्रेजेंटेबल लगेगी तो एक बारी में ही भैया राखी एंड भाभी राखी दोनों का काम मैंने एक साथ कर लिया और आप देख सकते हैं कि मैं ना मेरा कॉम्पोजिशन का वे कैसा है है ना तो आप भी अपना स्टाइल यहाँ पर इंड्यूस कर सकते हैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ भैया राखी के साथ बहुत सुंदर सा स्क्वायर मेरा यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है टॉप कोट भी सूख गया है ट्वेंटी फोर आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं अब यहाँ पर गोल्डन कलर का मैंने थ्रेड लिया है गोल्डन थ्रेड को सबसे पहले रिलीज करेंगे दोनों ही साइड पर मेरे पास जगह है बेजल के साइड पर टाई करने के लिए तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले इस तरीके से मैंने राउंड करा धागा रहेगा ठीक है तो ये देखिए टाइट कर लिया इससे क्या होता है अननेसेसरी नॉटिंग का जो उभरा हुआ पार्ट आ जाता है ना वो नहीं नजर आता दोबारा देखेंगे कैसे करेंगे यू बनाया और इस तरीके से थ्रेड को सेंटर की तरफ को स्ट्रेच किया और ये देखिए बहुत स्मूथली आपने यहाँ पर नॉट बांध ली परफेक्ट अब इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ब्लो टॉर्च का ताकि जो मेरी कॉर्नर्स हैं वो बहुत शार्प हो जाएं और मैं बहुत आसानी से इसके अंदर गोल्डन पर्ल इंसर्ट कर सकूं तो यहाँ पर आप कम से कम एक साइड पर फिफ्टीन आप गोल्डन पर्ल जरूर रखिएगा क्योंकि तो हमें भी जो भैया राखी है उसको एक ब्रेसलेट का ही फॉर्म देना है अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से हम शार्पन अप करेंगे और यहाँ पर भी गोल्डन पर्ल जो है वो इंसर्ट करेंगे गोल्डन पर्ल कितना टू एम एम तक का पर्ल ले सकते हो इससे आपका जो भैया राखी है वो सोफिस्टिकेटेड लगेगा सिंपल लगेगा प्लस जो भी आप भाई को टाई करेंगे वो भी इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे अब साइड को अच्छे से ट्रिम कर लेते हैं ताकि बाद में जब आप नॉटिंग करें तो आसानी से हो जाए देखिए कितनी स्टाइलिश लग रही है अब इसके बाद हम

शेयर करें कि कितना आसान है और आप एक बारी में कितनी ही राखी इससे बना सकते हैं इस तरीके से तो अब साइड पर जंप रिंग लगाकर मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्रेसलेट है जिसकी एंडिंग ड्रॉप पर्ल के साथ की गई है और इसके साथ में काम कर रही हूँ अब जो एंड है उसे भी सेम जंप रिंग के साथ हम यूज़ करने वाले हैं रिंग आप लगा लीजिए ज्वेलरी मेकिंग के लिए राखी मेकिंग के लिए इट्स ए गो टू थिंग जो आपके पास आपके टेबल पर होना ही चाहिए आप फटाफट से ब्रेसलेट लेते हैं और ब्रेसलेट को इस तरीके से हम अंदर डालेंगे और फटाफट से इसको प्लायर के साथ टाइटन अप कर देंगे परफेक्ट अब दूसरी साइड को भी बिल्कुल सेम तरीके से यही आपको मेथड अप्लाई कर कर करना है इससे आपका जो ब्रेसलेट है वो परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा एंड साथ ही साथ इसे पहनना उतारना कैरी करना और डेली वेयर में भी डालना बहुत ज़्यादा आसान है तो मतलब कि एक पर्टिकुलर ब्रेसलेट आपका इतने सारा आपकी चीज़ें जो वो पूरा कर रहा है एंड आई एम श्योर योर भाभी गोना लव इट योर कस्टमर गोना लव इट ठीक है तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा चलिए अब इसके बाद हम फटाफट से दूसरा एच इसके अंदर डाल देते हैं ओके okay, परफेक्ट अब लेते हैं प्लायर और प्लायर के साथ इसको अच्छे से टाइटन अप कर देते हैं इसी के साथ हमारी भाभी राखी भी जिसको हम लुम्बा राखी भी कहते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है एंड जस्ट लुक एट द लुक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कितना ज़्यादा क्लासिक लग रहा है सो so, यहाँ पर भैया राखी भाभी राखी एंड थाली तीनों ही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बनानी सिखा दी हैं प्लस एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इसे एक्चुअल में अटेम्प्ट करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखें हर एक चीज को नोट डाउन करें और फिर इसे अटेम्प्ट करें रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे तो आई होप आप सभी को मेरे साथ ये ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर राखी कॉम्बो बनाकर मजा आया होगा तो इस अमेजिंग सी टेक्निक को और ज्यादा प्रैक्टिस करिए अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी राखी बनाइए आई विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन बाय